तो जवान के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के ऊपर भाई लोगों ने बोला वीडियो बनाने के लिए। एंड एक चीज़ बताता हूँ, रात को 9 से लेकर 11 बजे 2 घंटे लाइव रहूँगा मैं इस चैनल में, तो आ जाना भाई लोग, मिलकर मास लेवल पे जवान का प्रमोशन करेंगे, मास लेवल पे जो ये हेटर्स, ये सिलेंडर गैंग है, ये कॉरपोरेट बुकिंग गैंग है, इनको बजाएंगे। तो आ जाना रात को लाइव। जवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस क्या हुआ रियल मात्रा में अगर मैं बताऊँ तो भाई ये बात किसी को नहीं पता। बरमूडा ट्रायंगल का क्या रहस्य है वो हम लोग बता सकते हैं, टाइटन शिप के साथ क्या हुआ था, वो क्या बोलते हैं सबमरीन के साथ क्या होता है वो बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते। ये क्यों नहीं बता सकते पता है? 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर 25 से 30 हज़ार टिकट ऐसे सोल्ड आउट हो रहे थे, जैसा कि मार्केट के अंदर वो क्या बोलते उसको, कोलकाता में बंगालीज खाते ना क्या मच्छी है वो, पॉम्पलेट मच्छी वैसे बिक रहा है, उस लेवल पे बिक रहा है। पानीपुरी पुचका जो बिक्री होता है ना कोलकाता में, मेरे दोस्त सारे बहुत सारे कोलकाता में, तो उस लेवल पे बिक्री हो रहा है टिकट्स। तो ये अभी एक रहस्य है कि किधर में रहस्य जाकर रुकेगा, किधर में जाकर रहस्य नंबर से बनाएगा, क्योंकि नंबर इसका बहुत रहस्य है। इतना रहस्य है कि ये जो भैंसी गैंग है, ये पूरा भैंसी गैंग जो यूट्यूब में बैठ के पूरा का पूरा हेट फैलाता है, वो रोड माइक पकड़ता है ऐसा, वो लंबा सा लाइव बनाता है और जितना मन के अंदर नफरत है वो सारा नफरत बाहर निकालता है, जितना मतलब हेट है वो हेट। अरे फिल्म को फिल्म की तरह देखो, सड़ेला फिल्म है तो उसके बाद उसकी नेगेटिविटी करो। तुम फिल्म में पहले से मतलब प्रोपागंडा शुरू कर देते, तेरा फेवरेट पार्टी के हिसाब से तुम शुरू कर देते, तुम्हारा फेवरेट पार्टी के हिसाब से अगर अगेंस्ट चले गए तो तुम पहले से चालू हो जाते हो। भाई पार्टी के हिसाब से फिल्म नहीं चलता, फिल्म अपने कंटेंट के हिसाब से चलता है। फिल्म खराब है तो खराब है, फिल्म में वो पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। अरे लाल सिंह चड्ढा में भी वो पार्टी को सपोर्ट किया, क्या फ़ायदा हो, 50 करोड़ में ढेर हो गया उसकी, वो पार्टी की खुद की फिल्म नहीं चलती है थिएटर में, 2 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शंस होते, तो तुम्हारे पार्टी के हिसाब से नहीं फिल्म बनती है ना भाई। फिल्म VFX करोड़ों लोगों की मेहनत, वो एक्टर का जेब से दिया हुआ पैसा उसके हिसाब से बनता है। तो ठीक है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इस फिल्म का मेरे हिसाब से, मेरे एनालाइज के हिसाब से कितना हुआ तो मैं बता देता हूँ। जिस स्पीड से ये जा रही है, मतलब जो 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 तेज़ी से इसके बुकिंग्स, टिकट्स बुकिंग हो रहे हैं, पठान के रिकॉर्ड से भी 48 आवर्स स्पीड निकल रही है ये फिल्म, उस हिसाब से तो मेरे को वो जो स्पीड है वो स्पीड में ट्रिपल डिजिट दिख रहा है मेरे को, 3 डिजिट दिख रहा है वो स्पीड में, ट्रिपल डिजिट दिख रहा है। मेरे को पता है ट्रिपल डिजिट सुनने के लिए मतलब एक ड्रीम नंबर्स लगता है, इट्स ओके, वो कोई बात नहीं, वो लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई वो अपन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता बाकी जगह स्टेट्स वगैरह से, इतना 40-50 करोड़ की ओपनिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस से नहीं मिलते। तो ठीक है, स्पीड यही बता रहा है, मेरा एनालाइज ये बता रहा है, मैं एनालाइज करके अगर नंबर निकालूं तो मैं बताता हूं। इसका पूरे इंडिया के अंदर टोटल नेट कलेक्शंस इंडिया के अंदर मैं बता सकता हूं 70 करोड़ से लेकर 90 करोड़, 70 से लेकर 85 करोड़ के बीच में ये नंबर्स ये फिल्म करने वाली, ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इसका हिंदी का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 60-65 करोड़ के आसपास होगा, 60-65 करोड़ के अंदर में होगा, और इसका बाकी मल्टी लैंग्वेजेस रिलीज तेलुगु एंड तमिल मिलाकर इसका कुछ नियरली अप्रॉक्सीमेटली पकड़ कर चलो अगर 10 करोड़ डबल डिजिट में भी आता है, मिनिमम नंबर्स में बता रहा हूँ, तो भी 75 करोड़ ये फिल्म क्रॉस कर चुकी होगी, और इसका टोटल मैक्स नंबर्स मेरे को लगता है ये 85 से 90 करोड़ मैक्स टॉप रेंज नंबर। तो मेरा एनालाइज के हिसाब से 70 से लेकर 85 करोड़ के बीच में ये नंबर्स के बीच में ये फिल्म श्योर शॉट करने वाली है। साइन कर लो, सील कर दो, डन कर दो, बॉन्ड पेपर बना लो, घर बिक्री करना है तो घर बिक्री करने के लिए बोल दो, ये नंबर्स करने वाले, क्योंकि जो स्पीड पकड़ा है ना, और इसका ATP जो है ना टिकट प्राइसिंग, ये इसका एवरेज टिकट प्राइसिंग भी 300 रुपये है, एंड इसका IMAX का टिकट प्राइसिंग 700 रुपये, IMAX का टिकट पठान जितना नहीं है बट यस है, एटलीस्ट 70% है उस फिल्म का। तो 70 से 85 करोड़ के बीच में, 70-85 करोड़ के बीच में इसका नंबर्स होगा, डिस्ट्रक्शन उससे, और जैसे कि मैंने बोला ना ट्रिपल डिजिट का स्पीड पकड़ा है, क्योंकि वो स्पीड डिप होता है वो थोड़े 1-2 दिन में थोड़ा सा डिप होता है एडवांस बुकिंग, तो अगर वहाँ पर डिप नहीं होता है वही सेम स्पीड में, तो भाई पूरा हिंदुस्तान का सिनेमा को बता देगा पैन वर्ल्ड सुपरस्टार क्या कर सकता है, विदाउट कोई पैन इंडिया सपोर्ट पैन वर्ल्ड सुपरस्टार क्या कर सकता है, सिर्फ एक लैंग्वेजेस में कलेक्शन करके ट्रिपल डिजिट कैसे निकालते, वो द ग्रेटेस्ट द
द ग्रेटेस्ट एक्टर, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, मिलेनियम में एक बार बना हुआ सुपरस्टार, एक अमिताभ बच्चन सर है और दूसरा ये शाहरुख खान, वो बता देगा कि नंबर्स किसको बोलते हैं, ट्रिपल डिजिट आएगा अगर वो कंटिन्यू वो स्पीड रुकी नहीं तो। तो वीडियो सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज रात को लाइव में मिलते हैं, 9 से लेकर 11 बजे तक बैठेंगे आराम से, तब चिल मारेंगे। हम लोगों का दिन ना चिल मारने गया है।